लिखा है उसका हर नाम तो आप हाथ लगाओगे नहीं तो जी। तो आप क्या है, आप जो आपके पास, सुनो मैं कह रहा हूँ खंडा खंडा नहीं करना। तो आप लोग हटाओ तो आप लोग बाहर तो आओ पहले। हट गया नहीं, मेरे पास भी है, मेरे पास नहीं 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 वो उनका है, मेरे पास भी टॉर्च, चिंता मत कर। टॉर्च टॉर्च मत लो, नहीं ये कर जंगल में छोड़ना है इसको, ऐसा थोड़ी है तुम दुनिया में छोड़ो और हमारा हर जाना चाहिए, नहीं तो उसको तो काट काट के खंडा कर देते, तुमको पता भी नहीं चलता। खाया उसने अंदर घुस के मुर्गी की जगह में, हमको हर जाना चाहिए मुर्गी का, ले जा रहे हैं तो जैसा मुर्गा मुर्गी। हाँ तो इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, हमारा हुआ है, इधर आ जाइए, पहले बात कर लेते हैं। अब आप ऐसी बात करें तो बाहर बात ही कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका कुछ नहीं, दिक्कत तो भाईजान हर जाना, जिसका इसका हर जाना, हर जाना किस बात का हर जाना? मुर्गा खाया। अच्छा, आपके मुर्गा मुर्गी खाए हैं तो उसका उस बात का आपको हर जाना चाहिए। हम भैयर से आए हैं हम लोग, ठीक है। जी बोलिए दादू। दादू 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 का बताइए, हम बता घर में चढ़ाए दो, हम अब उसको पाल लेंगे और मुर्गी दे देंगे, पाल लोगे? हाँ हम पाल लेंगे, नहीं तो आप उसको ले जाओगे। अब पालेंगे मुर्गी, लाल लाके पालेंगे, खिलाएंगे। आप बात कर लो, वो फॉरेस्ट वाले हैं, वो वहाँ से अपना जो काम था। देखो हमारा माल गया, घर में किसी को बुला लेंगे, नहीं भी बुलाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हमारा जो मुर्गा जो मुर्गा मुर्गी खाए हैं उसका हमारा हर्जा ना मिलेगा नहीं। अच्छा चलो, अपने पास एक बात, मेरी बात को समझिएगा, अपने पास तो जबान है इसलिए अपन डिमांड रख ले रहे हैं। वो लोग बोल नहीं सकते। अब हो सकता है कि एक समय यहाँ पे जंगल रहा होगा या बाड़ी पूरी रही होगी, तो पूरा पूरा या फिर आप जंगल नहीं नहीं रहा होगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं कि घर अभी बहुत पुराने जमानों का होगा, घर ऐसा तो नहीं होता, बनाया होगा घर किसी ने कि अपने आप बन गया जंगल, भले अपने आप बना है, भले अपन लोग नहीं लगाए होंगे। एक बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप ये समझिए कि उनके पास जवान नहीं बेचारों के पास, और वो हम लोगों को फ्री सेवा दे रहे हैं। देखिए, किसी चीज को जीने के लिए खाना जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अपने को जीना है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, भुट्टा चावल, ठीक है। अब अपन जब जीवित रहेंगे तब अपन दूसरों की मदद कर पाएंगे, ठीक है। अब वो जो जीव है, वो जीव आप लोगों की बिना उसके बहुत मदद करता है, आप लोगों को मालूम है ये बात। वो बिना पैसे के मदद करता है, उनके पास पैसे का कोई आवक नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जंगल भी जाते होगे तो, हम लोग तो खैर जो आए हैं, हम तो जिस काम से आए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। जंगल भी जाते होगे तो निस्तारी करते होगे, किसी फॉरेस्ट वाले ने आके आपके घर में हमेशा के लिए पूरी तरह रोक तो लगा नहीं दिया होगा कि आपने ये लकड़ी क्यों लाया। जैसे अभी आपने इधर कहीं रूंधोगे, जैसे ये सपोजिट ये पड़ा है आपका ये बल्ली लकड़ी, ये आपके घर में तो होगी नहीं होगी, जंगल से लाए होंगे आपने, तो किसी जंगल वाले ने आपको जबरदस्ती परेशान किया क्या? फॉरेस्ट वाले ने किसी ने आके कि नहीं आप इसका पैसे दो, ये पिवारी पटाओ करके? थोड़ी बहुत निस्तारी की छूट तो रहती होगी, देते हैं कि नहीं देते, है ना। तो वैसी वो जो जीव है उस, वो भी अपना भोजन करने के लिए कुछ ना कुछ खाए। नहीं नहीं बात तो सुनिए, वो कुछ ना कुछ तो जीवित रहने के लिए कुछ खाएगा। अब उसने मुर्गी खा लिया, ये तो अच्छी बात है कि किसी देखिए उसका भोजन है, उसका भोजन है वो। अब वो क्या खाएगा तो जिएगा, अपने जैसे भुट्टा तो नहीं खा सकता, अपन तो भुट्टा भी खा सकते हैं, लेकिन भुट्टा खाने के बावजूद अपन मांस मटन खाते हैं, मांस मटन खाने के साथ साथ और भी दूसरी चीज खाते पीते हैं, है ना, सही है कि नहीं? जीवित रहने के लिए वो उसका भोजन का अधिकार है। अब ईश्वर ने जब किसी चीज को बनाया है तो सबके लिए सब कुछ समान अधिकार दिया होगा,
ईश्वर ने बनाया ना, अब हमने तो बनाया नहीं है जानवर को, या आपने बनाया नहीं हो, या खुद ने अपने आप को तो नहीं बनाया, ईश्वर ने ही रचना किया ना इस संसार की सृष्टि की। आप लोग तो जानते हो ना कि कौन रचना किया है। अच्छा आप बताइए कि रचनाकार कौन है सृष्टि का, आप ही बताइए। ऊपर वाला है। ऊपर वाला कौन है? आसमान है, वो आसमान दिख रहा है मेरे को। मरेंगे तो कहां जाएंगे? हम चाह रहे हैं कि जैसे शेर को जैसे मानने दो, जैसे खाया कोई जानवर, वैसे ये सांप अगर शेर का भी खाना का मिल रहा है तो नहीं। गाय क्या है, मैं एक चीज में क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है? आदमी खा जैसे एक बार देखो क्या है कि जब जैसे टाइगर वगैरह का जो होता है ना, ठीक है ना, वो शेड्यूल वन पे आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल वन के जानवर हो, ठीक है ना, मान्यता इसको प्राप्त शेड्यूल वन में, ठीक है ना। कायदे से यदि अब यदि आप लोग उसको वहाँ पे यदि उसने खाया भी है ना, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको छेड़ना अभी ये समझ लो कि टाइगर को छेड़ने के बराबर को उसमें भी कानून लगता है, ऐसा इसीलिए तो अभी वो अच्छा है। और क्या है दूसरी चीज, अब यदि हम यहाँ से नहीं ले जाते उसको, आप लोग क्या करोगे? जैसे कि अभी भैया जी बोल रहे थे कि अब आप बचा के रख ले तो हम खंडा खंडा काट देते, इस बेसिस पे अभी हम कहने की बोल सकते हैं नहीं, आप हम यहाँ पे अजगर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसको खतरा है यहाँ पे, ऐसा है। और उसको बचा हम लोग आए उसको तो हम बचा के ले जाएंगे, नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है, खतरा की नहीं है उसको, उसको खतरा की जी नहीं है जी। हमारा मुर्गा मुर्गी खाए उसका हाथ ना तो आप हाथ लगाओगे नहीं तो जी। तो आप क्या है, आप जो आपके पास जो नजदीकी जो सुनिए, जो आपके पास नजदीकी की बात करेंगे जी जी, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास नजदीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, आप उससे संपर्क कर लीजिए। हम कर लेंगे तो अभी करिए ना, क्योंकि अभी हम तो क्या है, अब हम तो नहीं, अब तो हम सांप को देख चुके हैं और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, हम तो खुद हम लोग ऐसे नहीं कि बाहर से कहीं आए, हम खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो हम तो सांप को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा, हमारे घर में है सांप, आपका नहीं है, हमारा है, घर के बाहर भागने में नहीं। मैसेज करो दे दो हो गया, बहुत सांप दे दी हमने अपने बिस्तर के अंदर। तो उसमें ये कि जैसे टाइगर को प्रोटेक्शन मिला है वैसे इसको भी मिला है, आपने ही कहा। तो जब अगर टाइगर किसी को हार्म करता है ना, पहुंचाता है, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है। हाँ, तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो वैसे हम इन लोग चाह रहे हैं कि इसका इनको मिले। लेकिन देखो क्या ना, टाइगर के लिए कॉम्पेंसेशन भी मिलता है, वो उसके लिए रूल बना हुआ है, इसके लिए कोई रूल नहीं है ऐसा। तो अब हम भैया से इतने दूर आए हैं, ठीक है ना, अपना पेट्रोल लगा के आए हैं, अपना समय हम वेस्ट करने आए हैं, कुल मिला के बात यही है सिर्फ, क्यों? ताकि एक जीव को एक सुरक्षित जगह पकड़ के और उसको सुरक्षित जगह छोड़ दिया जाए। मैं भी वही चाह रहा हूं। इसमें सब कुछ जो भी लग रहा है हमारे हम जेब से लग रहा है, हमको कोई डिपार्टमेंट भी पैसा नहीं देता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि भैया आप जा रहे हैं वहाँ पे तो पेट्रोल का खर्चा ले जाओ या ऐसा कुछ, वो तो काम उसी चीज के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? बाकी डिपार्टमेंट हमको भी कोई सहयोग नहीं है। यदि किसी को गांव में सांप काट लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें हर्जाना मिलने का प्रावधान है, ठीक है? 3.5-5 लाख रुपए तक, मतलब भारत के हर हिस्सों में अपने अपने एक बनाए हुए रूल की 3.5-5 लाख रुपए के बीच में आपको पैसे मिलते हैं उस टाइम पे। लेकिन इस चीज में कोई रूल्स और कोई प्रावधान नहीं है देने का, बस बात ये है। देखिए बात ऐसी है, अभी तो छोड़ देंगे, अभी उनने 3 मुर्गी खाया, अब इसके बाद किसी और के घर की 4 मुर्गी खाएगा, उसका जवाबदार कौन है? आप दोगे? जैसे अभी आप बोल रहे हो कि छोड़ दो करके, एक मिनट, जैसे आपने बोले कि छोड़ दीजिए करके उसको, हम चलो एक बार छोड़ भी दे, अब उसके बाद वो निकल के किसी बच्चे को काट ले, छोटे बच्चे को भी खा सकता है, वो छोटे से जो बकरी का पिल्ला है उसको भी खा सकता है, उसका जवाबदार कौन है फिर? नहीं आप लोग ले जाओ। नहीं देखिए समझदारी वाली बात यही है, देखो वो अपने यहाँ का जीव है, कहीं लंदन अमेरिका से तो आया नहीं है, उसको देखने के लिए भी आज इतने सारे लोग क्यों खड़े हो आप बताओ? आप लोग तो देख लिए कि आप नहीं चाहते आप लोग के बच्चे लोग देखें? अब यदि सब मार देंगे जैसे खंडा खंडा वाली बात कर रहे हैं, सब सांप गिनती के बचे हैं, अजगर सांप जो है ना गिनती के बचे हैं, बाकी हमारे यहाँ है जी बहुत इधर खेतों के तरफ तो नहीं, नहीं तो आप लोग कुछ हिस्सों में ना कुछ हिस्सों में बचे हैं वो चीज। अब देखिए अब आप घर पे हैं तो आप उसको बोल रहे छोड़ दीजिए, अब जब खेत में सांप निकलता है तो क्यों फोन नहीं आता या लोग? लेकिन मेरे को एक चीज ये बताओ आप लोग, कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब ये भाई मुझको फोन करते हैं तो इनको कुछ पैसे मिलते हैं? वो सोचा लोगों की, बाकी पैसे तो हमको नहीं मिल रहे, हम इनको कहाँ से देंगे? ले जाओ पकड़, है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है भैया पकड़ के ले जाओ। कौन दुर्वे साहब? आप एक मिनट, घर किसका है? एक मिनट समय दूंगा मैं, घर किसका है आप बताइए, घर किसका है? नाम 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 बताइए। राजेंद्र तुरकर। राजेंद्र तुरकर जी, तो राजेंद्र भैया आप सहमत है उसको ले जाएं हम लोग? क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा देख, इस एक चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि अभी तो 3 खाया, अब बाकी 5 खाएगा, अब हम उसको जंगल में छोड़ेंगे तो शायद वहाँ सांबर चीतल खा के जिंदा रह जाए, वो आपके इधर नहीं आएगा, अब वो हो सकता है भटकते भुटकते आ गया होगा, क्योंकि जंगल से अगर एक जानवर करवा दोगे? देखो जानवर मारना एक अलग बात है, जानबूझ के मारना एक अलग बात है। जंगल से आया, यहाँ का नुकसान किया, उसका कोई
कोई सुना ही नहीं। और हम जाके जंगल में कितना नुकसान करते हैं, पर डे जाके जंगल चराई होती है, कुछ बकरी लेके जाते हैं, गाय लेके जाते हैं, उसका तो सरकार पैसा नहीं लेती आप लोगों से। तो जानवर अपना जंगल है, अब आपका जंगल है तो आपका ही जानवर हुआ ना वो भी। आप तो वही बोल रहे हो जंगल आपका है तो जानवर भी आप ही का हुआ। वो कौन सा लंदन अमेरिका वाले का हो गया या भारत सरकार का हो गया? भारत सरकार ने सिर्फ उसको संरक्षण दे रखी है। नहीं नहीं गलत बात नहीं, देखो आप अच्छा आप फूड श्रृंखला एक आदमी को अगर साला वो जंगल का सुअर अगर चीर के फाड़ दे, हाँ, उसका कोई सुना ही नहीं है। वो जंगल के साला सुअर को मार दे तो जंगल वाले इतने चढ़ाई उसको अंदर कर दे। देखो अंदर नहीं करेंगे तो कल को दूसरा मारेगा, तीसरा मारेगा, पूरे जानवर खत्म हो जाएंगे। सुनिए पूरे सुअर खत्म हो जाएंगे तो उसके, लेकिन आप ये बताइए सब कुछ आपके हाथ में या मेरे हाथ में है क्या? जो जैसा जो ऐसा सृष्टिकार ने जो लिखा है वही होगा ना। तो अब उसका भोजन वो लिखा है कि मुर्गा बकरी तो वो तो खाएगा ही ना, जैसे हमारा भोजन धान चावल लिखा वैसा। दादाजी मैं सांप दिखाता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, सांप चिंता मत करो। ठीक है ठीक है, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सोचिए क्योंकि अब हाँ नहीं उनका जो उसने जो कर दिया कर दिया। तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, अब यदि खेत में मान लो कि आपका छोटा गाय का बच्चा चरने गया और उसको खा लिया, तो फिर आप किससे मांगो कि भैया मेरा गाय का बच्चा खा लिया, उसको कैसे करना चाहिए? ये सोच है। नहीं नहीं आप लोग सोच के बोल रहे थे कि नहीं अब आप सांप मत ले जाओ, बस अब छोड़ दो अब इसको देख लेंगे। आप क्या करते उस सांप का मेरे को ये बताओ, क्या और है अपने पास? क्या है तुम? मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ कि क्या चले जाओ अगर आपको नहीं ले जाना है जी मेरे पास, और उसका बड़ा नहीं नहीं आप तो जंगल में छोड़ दोगे वो आ जाएगा जी, उसको बढ़िया सेफ्टी रखेंगे। और हमारे पास और लाज वाले हैं तो वो कैसे करते हैं? वो खाए वो अंदर रूम पे रहे। नहीं तो वो लोग भी तो छोड़ देते होंगे, थोड़ी ना घर में रखते होंगे अपने। देखो पालते हैं, अच्छा, पालते हैं। क्यों पालने का रीजन क्या है? यहाँ से जान वो उसको उठा के पालने का नहीं, पालने का रीजन क्या है? बाहर जाते हैं। नहीं तो फिर यदि रिजॉर्ट वाले जाते अच्छा वो लोग फिर आप लोग उसे खरीद लेते होंगे, महंगे खरीदते। चलिए दोस्तों आप सांप को निकालते हैं बाहर, आप निकल हो गया ना, चलो गाय को फूट ले रहे हो गया। तो देखिए दोस्तों एक अजगर है इंडियन रॉक पाइथन और इस कंडीशन में है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है और यहाँ अटैक के चांसेस पूरे रहते, तो हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो और उस वन्य जीव को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये हमारे संजीत जी से रेस्क्यू कर रहे हैं अभी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर पे ये सांप प्रोटेक्टेड स्पीशीज है और इसे शेड्यूल वन में रखा गया है। तो दोस्तों हम भी चाहेंगे कि इसे ज्यादा परेशान ना करें, जितना सेफ रेस्क्यू हो सके उतना सेफ रेस्क्यू करेंगे। वैसे तो आप देख सकते हैं कि ये पुराना बना हुआ घर है जहाँ पे एक अंदर पे सांप आया हुआ है और इसने शायद एक मुर्गी भी खाया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में खाया हुआ सांप है ज्यादा भाग नहीं पाएगा। ये कौन सा सांप है? ये अजगर। कौन कौन पूजा करता है इसकी? देखो पीछे बोल देना, देखो क्या है ना ये अजगर सांप, जो अजगर जो सांप होता है, ध्यान से दो मिनट सुन लो, बात दो मिनट बाद तो हम लोग चले जाएंगे फिर। ये जो अजगर सांप होता है ना, ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना के होते हैं, यदि टाइगर यदि टाइगर को कोई छेड़ता है, टाइगर को कोई मारता है, ठीक है ना, या इंसान की वजह से कोई भी नुकसान होता है उसको, ठीक है, जो नियम उस पर लागू होते हैं वही नियम इस पर भी लागू होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये शेड्यूल वन का सांप है, ठीक है ना, इसको भी कानूनी संरक्षण प्राप्त है जितना टाइगर को प्राप्त है। किसी सांप को नहीं, जब भी कोई नाग डांडेकार कोई भी जहरीला सांप हो या बिना जहरीला सांप हो, यदि कोई बिना जहर वाला सांप हो, ठीक है ना, यदि वो भागता है तो आप उसे भगा दे, मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यदि ऐसा कोई जहरीला सांप होता है ना, तो आपको करना क्या है, आप अपने नजदीकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है आप वहां से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या हम लोगों के नंबर आपके पास में, आप हमसे संपर्क कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है ना कि इस गांव से जो भी हमको फोन करता है कि भैया सांप के लिए फोन, भैया सांप है करके, चाहे ये फोन करें चाहे ये फोन करें, हम इनको एक रुपए भी नहीं देते,
नहीं ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, एक चीज और बताना चाहूँ आप लोगों को, सांपों के बारे में जितने भी अंधविश्वास जो आप लोगों ने अभी तक सुने हैं, मेरे को नहीं पता क्या क्या सुने हैं आपने, लेकिन जितने भी सुने हैं उनमें से किसी को मानने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पे आज भी झाड़ फूक वाला सिस्टम चलता है सांप काटने के बाद? चलता है। कितने लोग बच के आते हैं? कई लोग बचे हैं, कई लोग बचे हैं। आप सब डॉक्टर में भागने हैं, वहाँ सीधा उपचार हो रहा है। देखिए क्या है, हम मैं कोई धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता, लेकिन ये चीज जो होती थी ना, ये आज से पहले के टाइम में होती होगी। आज वैसे लोग नहीं रहे उतने लोग नहीं रहे, और ना काम करने वाले उतने सत वाले लोग रहे। क्या होता ना कि सांप काट लिया और आप ले गए, अब वो अब उसने भी देख लिया कि ये नहीं बच पाएगा, तो क्या बोलेगा, नहीं ये केस बिगड़ गया, ये वाला ये किसी का भेजा हुआ था। इस टाइप की बात चलती है, सही बात है, ये सही बात है ना, तो लोग ऐसी करते हैं। तो क्या मतलब, और देखो एक सर्पी वाले जो कार्यक्रम होता है उसमें बताओ कितना टाइम लगता है सर्पी उतारने को? फिर भी कितना टाइम लगता है? 2 घंटा 3 घंटा बताइए कितना टाइम लगता है? 2 घंटा करीब लग ही जाता है। 2 घंटा लगता है। यदि आपको एक नाग, यदि मेरे को एक नाग सांप काट लिया और ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ दिया, गारंटी है कि मतलब इस बात की संभावना पूरी है कि यदि मैं ज्यादा डर गया हूँ तो मैं 20 मिनट के अंदर भी मर सकता हूँ। अब ऐसे में यदि उसको सर्पी वाले के पास ले जाओगे, उसका तो 2 घंटे का प्रोसेस है ना। हाँ। वो तो लोगों को जोड़ेगा, गाना बजाना चलेगा, फिर भाव आएगा, फिर वो उतार के खींच के निकालेगा उसको। तो आपको तो मेरे को पैर में सांप काटा, वो यहाँ से चूस के निकालेगा, वो चूस के निकालेगा, वो इसमें निकाल देगा, इसमें निकाल देगा, वहाँ हो आप यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, अब आप एक थोड़ा सा ना बिल्कुल अपने सही दिमाग से सोच के बताओ, क्या ऐसा मुश्किल है, मतलब ऐसा मुमकिन है क्या? सब गलत बात काटने वाला बचता। देखिए क्या है, जो नाग सांप होता है ना, हमारे यहाँ पे 4 जहरीले सांप बहुत ज्यादा होते हैं। एक नाग, एक डांडेकार जिसको ग्रेट बोलते हैं, एक होता है घोनस जिसको जदर्रा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और एक होता है फुरसा जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। ये 4 भारत के सबसे ज्यादा जहरीले सांप है। इनमें से नाग एक ऐसा सांप है जिसमें से 80% फॉल्स बाइट होता है। फॉल्स बाइट किसको कहते हैं, नाग 100 बार आपको काटने की कोशिश किया ना, उसमें से 80 बार वो आपको नहीं काटा समझ लो, क्योंकि यदि वो काटा ना तो जहर नहीं गया, और जहर गए भी तो बहुत कम मात्रा में जाता है। यदि आप अच्छा खाते पीते हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा जहर गया है अंदर ना, वो आप बिना दवाई के भी ठीक हो जाओ उससे, यदि आप अच्छे हो। पहले के जमाने में लोग 2-2 दिन जिंदा रह जाते थे। कैसे, पहले के लोग, आप किसानी करते हो, यूरिया बिना यूरिया डीएपी की अदरक पका लेते हो? आज तो हम सब मिक्स खा रहे हैं ना, खाद ही खा रहे, कुल मिला के अनाज तो नाम करे गया, तो हमारा शरीर भी वैसे ही हो गया आज की रेट में। ठीक है, पहले के लोग अच्छा शुद्ध खाते थे, अच्छा खाते पीते थे, तो लोग पहले के जमाने में अच्छा, सब लोग अच्छे से खाते थे, तो लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी थी। अब वो सांप अभी काटा शाम तक के जिंदा रह जाता है। यदि आपके यदि हाथ पैर में दर्द हो जाए, या आपका सर दर्द कर रहा है, या आपको कहीं लग गया और वो दर्द कर रहा है, तो आप एक डॉक्टर को बोलोगे हमको एक पेन किलर का इंजेक्शन दे दो। आपको पता है पेन किलर में भी कहीं ना कहीं सांप का जहर होता है, क्योंकि जो सांप जब काट लेते हैं हमको जहरीला सांप, तो उसके उपचार के लिए जो दवाई होती है ना, वो भी सांप के जहर से ही बनती है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, सांप के जहर ही सांप के जहर को काटता है। एक मिनट रुको यार, मैं कह रहा हूँ, मेरी तो बात सुनो दादाजी, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ खंडा खंडा नहीं करना है। कहाँ है काला नाग? आपके घर पे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, खंडा वाली बात तो